हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे इस टेक्निकल मेहताब यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका दोस्त मेहताब अली। दोस्तों, हाल ही में जोमेटो के साथ एक घटना घटी है। अगर आप इस घटना के बारे में जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि हमारे भारत देश में ऐसे भी लोग हैं। सच बोलूं तो इन्हीं लोगों की वजह से हमारे देश में अफरा तफरी का मामला सामने आता है। बैरिक एफ, हम आपकी वक्त की कदर करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि खाना देर से पहुंचने पर हम ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं, लेकिन इस बार ऐसा मामला सामने आया है कि देश में बहस छिड़ गई है। दरअसल हुआ ये कि जबलपुर का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम है अमित शुक्ला, जिन्होंने जोमेटो से खाना ऑर्डर किया और जब उन्हें पता चलता है कि खाना लाने वाला व्यक्ति एक मुसलमान है तो वह जोमेटो से ये कहता है, कैन यू चेंज द राइडर, यानी कि जो हमें खाना दे रहा है क्या आप उसे बदल सकते हैं। फिर जवाब में जोमेटो कहता है, हेय अमित, हाउ आर यू, अमित मे आई नो व्हाट इज द इशू, क्या मुद्दा है। फिर जवाब में ये शख्स कहता है कि सावन चल रहा है और मैं नहीं चाहता कि कोई मुसलमान मुझे खाना दे। फिर जोमेटो ऑर्डर कैंसिल कर देता है, लेकिन ये शख्स यहाँ भी नहीं रुकता, वो ट्विटर पर भी ट्वीट करता है और अपनी नफरत की आग ट्विटर पर कुछ इस तरह फैलाता है और कहता है कि अभी अभी मैंने जोमेटो का ऑर्डर कैंसिल कर दिया है क्योंकि वो एक गैर हिंदू राइडर को भेज रहे थे। मैंने उनसे कहा कि आप मुझ पर जोर नहीं लगा सकते इन ऑर्डर को लेने के लिए। और ये शख्स ये भी कहता है कि मैं अपने लॉयर से यानी वकीलों से बात करूंगा। फिर जोमेटो ने एक बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। जोमेटो ने कहा कि खाने का कोई मजहब नहीं होता, खाना खुद एक मजहब है। जोमेटो के संस्थापक दीपेंद्र गोयल है और वो अपनी तरफ से बहुत ही खूबसूरत बात कहते हैं। वो कहते हैं, हमें गर्व है भारत के विचार पर और हमें गर्व है कि हमारे जो पार्टनर्स हैं और हमारे जो कस्टमर्स हैं उनमें जिस तरह की विविधता है, डाइवर्सिटी है, हम अपने मूल्यों के लिए अपने बिजनेस तक को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर ट्विटर पे बवाल मच गया। ट्विटर पर दो ट्रेंड्स होने लगे। पहला, आई सपोर्ट अमित, जिन्होंने खाना ऑर्डर कैंसिल इसलिए कर दिया क्योंकि खाना लाने वाला व्यक्ति एक मुसलमान था, और दूसरा, बॉयकॉट जोमेटो, यानी जोमेटो को बॉयकॉट करो। दोस्तों, अमित शुक्ला जैसे लोग और भी हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। देखिए ये लोग क्या कहते हैं। अगर मुस्लिम कोई लड़का या लड़की अगर आपको खाना सर्व करता है तो क्या आप खाना खाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लूंगी। मैं मुस्लिम से, आई हेट मुस्लिम, मैं बिल्कुल उनसे खाना नहीं लूंगी, नहीं किसी को लेने दूंगी। क्या अगर एक मुस्लिम लड़का अगर आपको खाना सर्व करता है तो क्या आप खाना खाएंगे? नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। मैं कट्टर हिंदू हूं, मैं नहीं खाऊंगी। वो हमारे देश में मतलब बंटवारा कर रहे हैं, लड़ाई फसाद कर रहे हैं, तो हम क्यों उसके हाथ से खाएं? उनको आर्थिक मजबूती हम क्यों दें? मैं तो अपनी कंपनी चाहे किसी चीज में न किसी मोहम्मदन को ना रखूं। क्यों? क्योंकि वो हमारा देश तोड़े और हम उन्हें आर्थिक मजबूती कैसे दें, क्यों दें? आपको बता दें कि ओला कैब भी एक व्यक्ति ने इसलिए कैंसिल कर दिया क्योंकि उसका ड्राइवर एक मुसलमान था। दोस्तों, अमित शुक्ला जैसे लोग धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं। आपको बता दें कि धर्म के आधार पर भेदभाव करना ये भारतीय कानून के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है। दोस्तों, भारत का एक सच्चा नागरिक होने के हैसियत से मैंने ये वीडियो बनाई है। ये वीडियो बनाना मेरी जिम्मेदारी थी और इस वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई रहें तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें ताकि भारत के हर एक नागरिक तक ये बात पहुंच सके। अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमेशा ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस टेक्निकल मेहताब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।